पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु येशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। Yeah.
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सम्मार्ग पर लौट सके। सब ख्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी मेरी प्रजा के पास ले जाओ। पहले के यादव समस्या ने आमोस से कहा, ए नबी यहां से चले जाओ, यूदा के देश बाहर जाओ, वहां भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेटे में भविष्यवाणी करना बंद कर दो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और नबी की संतान, मैं चरवाहा था और कुलर के लिए छाटने वाला, मैं झूठ चलाने रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे ये कहा, जाओ मेरी प्रजा इज़राइल के लिए भविष्यवाणी करो। यह प्रभु की वाणी है। Oh,
इसका मतलब यह हुआ
कि यीशु के समय बहुत सारे लोग अब्दुद्ग्रस्त थे, बीमार थे, लेकिन इतने सारे लोग बीमार क्यों थे? क्योंकि जब ईश्वर ने इंसान को बनाया तब वह परिपूर्ण था, निरोगी था। फिर इंसान बीमार क्यों हुआ? इसी बात पर आज हम चिंतन करेंगे। आज हर इंसान किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी प्रकार से बीमार है, पीड़ित है। और वे बीमारियां है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक यानी इमोशनल और आत्मिक यानी स्पिरिचुअल। मेडिकल साइंस द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि हमारे 90% शारीरिक बीमारियों का कारण मानसिक बीमारी या मन की स्थिति है। आज मन की बीमारियों के कारण विधेयिका, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, पेट का अल्सर और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से, शारीरिक बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। यानी कैंसर तो शरीर में हुआ है लेकिन उसका कारण दूषित जल, दूषित वायु या दूषित भोजन नहीं बल्कि हमारा दूषित मन है, हमारे दूषित विचार है। सारे नकारात्मक विचार, सारी नकारात्मक भावनाएं जैसे नफरत, क्रोध, बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा हमारे शरीर को खोखला बना रही है और हमारे शरीर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को पैदा कर रही है। आज हम यह जानने की कोशिश करें कि कैसे इन मानसिक बीमारियों से छुटकारा पाकर चंगाई प्राप्त करें। तो सबसे पहला तरीका है लेट गो ऑफ द पास्ट, यानी बीती हुई बातों को छोड़ दो। यदि किसी ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे धोखा दिया है, मेरा जीवन बर्बाद किया है, यदि मैं इन सब बातों को लंबे समय तक पकड़कर रखता हूं तो ये बातें गुंड बनकर यानी जख्म बनकर, घाव बनकर रिसती रहेगी और मुझे हर समय पीड़ा देगी। इन बातों को पकड़कर रखने से सिर्फ और सिर्फ मुझे ही नुकसान होगा। सो लेट गो, इसलिए उन बातों को और उन लोगों को उन पर छोड़ दो, उन उस ईश्वर पर छोड़ दो जिसके बारे में संत पेत्रुस कहते हैं जब उन्हें गाली दी गई, उन्हें माने यीशु को, जब यीशु को गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी बल्कि अपने को और गाली देने वाले को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। इसमें प्यारे भाई और बहनों, जब हम सब कुछ सही गलत जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है ईश्वर पर छोड़ देते हैं तब हमारे तन, हमारे मन का सारा दर्द गायब हो जाता है और हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है।
दूसरा तरीका है मानसिक बीमारियों से बचने का, वह है हम लोगों को और परिस्थितियों को बदलने के बदले अपने आप को बदलने का प्रयास करें, कोशिश करें। वैसे भी लोगों का व्यवहार और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। वी आर नो कंट्रोल ओवर द बिहेवियर और द डीलिंग्स ऑफ द पीपल नॉर ऑन द सिचुएशंस अराउंड अस। उदाहरण के लिए कंजूस कंजूस ही रहेगा। जिस प्रकार रेगिस्तान में खड़े होकर हम हिमपात या बर्फबारी की उम्मीद करना बेवकूफी है, उसी प्रकार किसी कंजूस का रातों रात बदलकर दानी बनने की उम्मीद करना बेवकूफी है। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचकर, ऐसे लोगों के बारे में चिंता करके कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, हमें अपना स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ना चाहिए। तीसरा उपाय है कभी भी इस बारे में चिंता ना करें, टेंशन ना लें कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। अहम बात यह है कि मैं मेरे बारे में अपने बारे में क्या सोचता हूं, और उससे भी बड़ी अहम बात है कि ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यदि कोई तुम्हें चोर कहे तो इस बात को लेकर परेशान ना रहना, अपने आप से पूछना क्या मैं चोर हूं, फिर ईश्वर से पूछना क्या ईश्वर की दृष्टि में मैं चोर हूं, और यदि उसका उत्तर ना मिले तो फिर चिंता की परेशान की कोई बात नहीं है, उसे उस व्यक्ति की बात को भूल जाना। चौथा उपाय मानसिक बीमारियों से मुक्ति पाएगा, जब हम लंबे समय तक किसी के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो यह नकारात्मकता हमारे बदन में दर्द पैदा करती है, पीड़ा पैदा करती है, बदन बीमार होने लगता है, शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती है। और हम सोचते हैं कि बिना वजह से यहां वहां शरीर में दर्द क्यों हो रहा है, सारी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन इस दर्द का कारण एमआरआई में भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस दर्द का कारण यहां होता है, यहां मस्तिष्क में, मन में होता है। इसलिए दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचकर हमें अपना स्वास्थ्य को खराब नहीं करना है। दूसरे लोग क्या कहते हैं, वे क्या सोचते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, ये सब सोचकर हम अपने घुटनों में दर्द क्यों बढ़ाएं। पांचवा उपाय है नफरत को छोड़ना और माफ करना। क्यों? क्योंकि नफरत, मनमुटाव, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब नकारात्मक भावनाएं हमारे रक्त को दूषित करती है और हमारे पूरे शरीर में इंफेक्शन, जहर फैलाती है। कहते हैं ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है, ईर्ष्या एक लाइलाज बीमारी है। तो इन बीमारियों से चंगाई पाने का एक ही तरीका है कि हम दूसरे को दिल से माफ करें, और सिर्फ माफ ही ना करें बल्कि उनके प्रति सहानुभूति दिखाए जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, क्योंकि वे लोग नॉर्मल नहीं है, वे बीमार है। छठवां उपाय है यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो भी तुम उनके साथ अच्छा करो। ऐसा क्यों? क्योंकि
ईश्वर की आशीष पाने का यह सबसे बढ़िया तरीका। यदि कोई हमारे साथ गलत करे तो भी हम उनके साथ अच्छा करें, क्योंकि ऐसा करने से हमें ईश्वर से प्रचुर मात्रा में आशीष प्राप्त होती है, कृपा मिलती है, और यही है रियल बिजनेस। दुनिया में यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी घाटा नहीं होता, इसमें फायदा ही फायदा। तो ये जो सब उपाय मैंने बताए हैं, ये स्वयं की चंगाई के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए। लेकिन प्रभु ने हमें आदेश दिया है, जाओ और रोगियों को, बीमारों को चंगा करो। तो हमारा फर्ज है कि हम दूसरों को भी चंगाई, दूसरों को भी चंगा करें, उनको बीमारियों से मुक्ति दिलाए। हाउ, कैसे? तो इसके लिए इसमें प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले हमें यह समझना, जानना जरूरी है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग किसी ना किसी प्रकार की मानसिक तथा भावात्मक बीमारियों से पीड़ित हैं, दुखी हैं। सारे लोग मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से दुखी हैं, पीड़ित हैं, और इन बीमारियों के लक्षण है नाराजगी, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कटुता, मन मुटाव, एक दूसरे से बात नहीं करना। तो जब ये लोग बीमार है तो उनके प्रतिदा करके या उनसे बदला लेकर हम उन लोगों को चंगा नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए यही एक दवा है कि उनके प्रति हमारी सहानुभूति, करुणा, हमदर्दी, दया, और जब वे ये अच्छे गुणों का अनुभव करेंगे तभी उन्हें चंगाई मिलेगी, तभी वो नॉर्मल बन पाएंगे। उदाहरण के लिए हम ईर्ष्या को लेते हैं। असल में ईर्ष्या जो व्यक्ति अंदर से गहराई से बहुत पीड़ा में होता है, दर्द में होता है। कहते हैं कि इस बीमारी का कोई दवा नहीं है, इस बीमारी की कोई दवा नहीं है, कोई पेन किलर नहीं है जो उस व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए राहत दिलाए या उसके दर्द को थोड़ी देर के लिए घटाए। इसकी एक ही दवा है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है उसके लिए एक ही दवा है, उसके प्रति सहानुभूति, कंपैशन, वी गिव टू बी कंपैशन towards this kind of people because they are sick people, ये बीमार। इसी तरह बीमारी का और एक बहुत बड़ा लक्षण है या कारण है, वो है क्रोध। क्रोध, जब कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है, गाली देता है, आपकी बुराई करता है, तो ये जरूरी नहीं कि हम गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि गुस्सा करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से बीमार है, दर्द में है, पीड़ा में है। In fact, he is in deep pain. He is sick. तो ऐसे लोगों के प्रति नाराज होना, उनसे नफरत करना, घृणा करना या उनके बारे में बुरा लगना, ये कोई समाधान नहीं है, ये उसकी बीमारी का इलाज नहीं है। उसका इलाज वही है जो मैंने पहले बताया, सिर्फ इन लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति और करुणा की भावना। एक उदाहरण देकर मैं इसका समापन करूंगा। नर्सेस का सेमिनार था, तो
डॉक्टर लोग हमसे नाराज होते हैं या डॉक्टर लोग हम पर गुस्सा करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम पूरा पूरा दिन परेशान रहते हैं। तो उनसे पूछा, क्या कभी कोई मरीज, कभी कोई पेशेंट आपसे नाराज रहता है, आप पर गुस्सा करता है? उन्होंने कहा, अक्सर पेशेंट लोग, मरीज लोग अक्सर हम लोग गुस्सा करते हैं। तो क्या परेशान होते हो, आपको बुरा लगता है? नहीं, क्यों नहीं बुरा लगता? क्योंकि वो तो बीमार है, वो तो मरीज है। तो कहा, इसी तरह आपके डॉक्टर लोग भी मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बीमार है। उसका सेमिनार का फॉलो था, उसके बाद दूसरा सेमिनार था, तो उनसे फिर सवाल पूछा गया, बताइए आपको कौन सी बात परेशान करती है, क्या डॉक्टर लोग गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं? उन्होंने कहा, अब भी डॉक्टर हमसे नाराज रहते हैं, गुस्सा करते हैं। तो क्या आपको बुरा लगता है? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? असल में हमें उन पर दया आती है। हम सोचते हैं, चलो बेचारे बीमार है, इनसे क्या बुरा मानना, तो हमें उन पर दया आती है। इसमें प्यारे भाई और बहनों, हर प्रकार की नकारात्मकता, नफरत हो, घृणा हो, गुस्सा, क्रोध, द्वेष, ये सब मानसिक और भावात्मक इमोशनल बीमारियों के लक्षण है। और इसके विपरीत हर प्रकार की सकारात्मकता, सहानुभूति, दया, करुणा, प्रेम, ये सब अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है। तो हमें यह मन चिंतन करना है कि हमारे मन के लक्षण कैसे हैं, नकारात्मक है या सकारात्मक है, हम बीमार हैं या हम स्वस्थ हैं। यदि हम बीमार हैं तो कोशिश करें हम स्वस्थ बने, हम हेल्दी बने। हम नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाएं और प्रभु में एक अच्छा स्वस्थ, आनंद और शांति का जीवन के लिए आए। पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसके अपने पुत्र अपने प्रभु यीशु क्राइस्ट में विश्वास करता हूँ, जो अपने पाप मन के द्वारा कर्म में आया और मरे से जन्मा और जिस प्रकार उसके समय मृत्यु को उस पर चढ़ाया गया, मर गया और बनाया गया, वह अधर्म के पुत्र और उसके लिए उन्नतों से जीवन था, वे स्वर्ग में मारने हुआ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, आज के दिन जो लोगों का जाय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पवित्र प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर हमें से प्रत्येक को एक विशेष कार्य के लिए बुलाता है, मगर क्या हम उसके बुलाने का उत्तर देते हैं? हम अपनी सर्व आवश्यकताओं के लिए उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी संत पिता, अपनी सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगणों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर द्वारा अभिषेक तथा व्रत दीक्षित किए जाने के नाते वे विश्वासियों का मार्गदर्शन कर सकें, प्रभु द्वारा सौंपे मिशन को सच्ची जिम्मेदारी और निष्ठावान से आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें।
हम अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, विशेषकर हम हमारे बल्ली के और अन्य लोगों को जो मानसिक अस्पताल में पीड़ित है, सारे लोग जो भावनिक मानसिक रूप से पीड़ित है और जिसके कारण वे शारीरिक रूप से दर्द में है, पीड़ा में है, बीमार है, हम प्रभु के चरणों में रखते हैं कि प्रभु अपने चंगाई का हाथ उन पर रख कर उन्हें चंगाई प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें से प्रत्येक को अपने विशिष्ट कार्य के लिए बुलाया है। हमें यह कृपा तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि हम तेरे इस बुलावे का प्रत्युत्तर दे और तेरे पुत्र ने हमें अपना जो मिशन सौंपा है उसे सच्चाई तथा जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा सके। हमें प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे कृष्ण के द्वारा। प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविध प्रज्ञा की स्तुति में
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी आशकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधी ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा समादर युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार का पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस व्यक्ति नहीं हूँ कि तो मेरे यहाँ आए, एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि संस्कार में सदा